खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर तारामंडल रोड स्थित रायल दरबार में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यापारियों को शपथ दिलाई गई, खाद्य सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी, जो सुरक्षित नहीं वो खाद्य नहीं। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों के उपयोग पर प्रकाश डाला गया, साथ ही कहा कि सीजनल फल सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, खाद्य तेल एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसका प्रयोग न करें, खाद्य पदार्थ को खाते समय सावधानी बरतें, फूड हैंडलिंग पर विशेष ध्यान दें। कार्यक्रम में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड पीएन सिंह, अभिहित अधिकारी अजीत कुमार, मुख्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह, अंजनी कुमार श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह, प्रतिमा त्रिपाठी और व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय सिंघानिया, चेंबर ऑफ टेंडर्स के अध्यक्ष अनूप किशोर अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड पीएन सिंह ने कहा, कुमार कॉलेज अधिकारी जनपद गोरखपुर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अपने सहायक आयुक्त महोदय खाद्य गोरखपुर के साथ समेकित रूप से यहां आज 7 जून 2019 को यहाँ एकत्रित हुए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर हमारे वरेण्य खाद्य कारोबारकर्तागण, बुद्धिजीवीगण, उपभोक्ता संरक्षण के सदस्यगण एवं सभी व्यापार मंडल के हमारे गणमान्य सदस्यगण एवं मेरे इसमें महती योगदान हो रहा है। भारत वर्ष में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पूरे भारत में ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है इसका आयोजन करके इसको मनाया जा रहा है और उसी क्रम में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कई दिवस मनाए जाते हैं विभिन्न दिनों में, जैसे पर्यावरण दिवस एवं अन्य बहुत सारे दिवस, तो पहली बार ये खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। पूरी तरह से और बढ़ते शहरीकरण के कारण, अपने उद्योग धंधों में अपना योगदान के कारण, अपने मूल स्थान से बिल्कुल अपने खाने पीने के चीजों के लिए मूलतः बाजार पर निर्भर होना पड़ता है, चाहे वो खाद्य पदार्थ का रॉ मटेरियल हो या मजदूरी साधनों पैकेज फूड आइटम पर हम निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। तो ऐसे में यह बहुत समीचीन हो जाता है कि हम अपने लाइफ स्टाइल में एक गुड फूड हैबिट डालें और ये सेलेक्ट अपने दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करें, क्योंकि जनरली आज के जमाने में यही हो रहा है। वो अलग इसी सब को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पूरे विश्व में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी का भी आयोजन किया जा रहा है और यह पहली बार ऐसा हुआ है। कुछ बातों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले कि सिलेक्शन ऑफ फूड यानी प्राइमरी फूड की ओर हम जाएं, दूसरा से खाद्य पदार्थ जनित होती है वो कुछ ही सावधानियों से उससे बचा जा सकता है, वो गर्म हो सकता है, वो कार्बाइड से पका हो सकता है, समय से पहले पकने के कारण उसमें एसिडिटी ज्यादा हो सकती है, उसमें केमिकल उसको ये पहला रूप। दूसरा फूड थॉरली हम जानते हैं कि जैसे कि आजकल बहुत समाज में बहुत सारे कुक्ड फूड जो है उसको बनने के बाद हम 2 घंटे के अंदर यदि कंज्यूम कर लें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, कम से कम उसको प्रिजर्व करें, शुरुआत अच्छे तरह से हो। धन्यवाद। हम उसको सुरक्षित नहीं कर रहे थे तो इस संबंध में जो है हम के संबंध में अच्छे तरीके आजमाएं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित खाद्य सुनिश्चित करने के लिए कार्य करूंगा
मैं अभी निश्चय करता हूँ कि मैं इस बात के लिए प्रयास करूंगा कि सभी लोगों विशेषकर गरीब और सबसे कमजोर वर्गों को सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य मिले जो कि जीवन को मानव गरिमा के साथ जीने की मौलिक आवश्यकता है। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं अपनी खान पान की आदत पर ध्यान रखूंगा और खाद्य मिलावट की बुराई को रोकने के लिए कदम उठाऊंगा। मैं प्रत्येक नागरिक के सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य के अधिकार जो अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है के समर्थन का वादा करता हूँ। मैं मानता हूँ कि और असुरक्षित खाद्य को खाद्य नहीं माना जा सकता। उनकी पूरी क्षमता को प्राप्त करने और क्षमता और समाज और देशों के सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है तथा यह सरकारों और व्यापारियों की साझा जिम्मेदारी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर मैं सत्य निष्ठा से प्रण करता हूँ कि मैं खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए अपनी शक्ति अनुसार पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद। जी इस तरीके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा फूड सेफ्टी के संबंध में, क्योंकि आज जो है खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मामला देखा जा रहा है, फूड सेफ्टी एक चुनौती बनकर उभरी है, इसके संबंध में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने एक निर्णय लिया कि हम 7 जून 2019 से प्रत्येक वर्ष जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि जिससे कि जो है खाद्य की सेफ्टी सुनिश्चित हो। हम लोग पूरे आशान्वित हैं कि इससे बहुत फायदा होगा और हम लोग जो है एक विश्व स्तरीय जो है अपने मार्केट को अपने घर को जो है बना सकेंगे। आज जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, कौन कौन से लोग इसके सम्मिलित किए हैं? आज जो खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है इसमें आम जनता, व्यापारी भाई और अधिकारी वर्ग सभी लोगों को शामिल किया गया है। जो हम लोगों ने आज शपथ ली है और सबको शपथ सभी लोगों ने शपथ लिया है, ये हम लोग अपने दिल से लिया है कि खाद्य पदार्थ जो है बहुत दिव्य चीज़ है जिसको जिसकी सुरक्षा हमारा सबका दायित्व तो है। सभी लोगों को भोजन मिले और सुरक्षित भोजन मिले जिससे कि रोगों पर रोकथाम हो, ये इसकी हम लोगों ने प्रतिज्ञा लिया है।